इंस्पायर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं राहुल हुड्डा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। हिंसा के बाद उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। गुरुवार को एसएसपी कार्यालय पहुंची महिलाओं व पुरुषों ने प्रदर्शन कर आरोप लगाया कि उनके परिवार के निर्दोष युवकों को उठाकर जेल भेज दिया गया है। लिसाड़ी थाना क्षेत्र की पीड़ित महिला वरिसा पत्नी सलूमुद्दीन निवासी खुशहाल नगर का आरोप है कि उनके पुत्र की जेडी मोबाइल के नाम से दुकान है। जनपद में CAA के विरोध को लेकर हिंसा हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वरिसा के निर्दोष पुत्रों को दुकान से उठा लिया था। इसके चलते पीड़ित परिवार गुरुवार को एसएसपी कार्यालय पहुंचा और उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस ने दुकान के बाहर खड़े उनके बच्चों को जबरन उठा लिया और उपद्रव में शामिल होने का आरोप लगाकर जेल भेज दिया। आइए पहले आपको दिखाते हैं सीसीटीवी कैमरे की वो फुटेज जो उनके दुकान के बाहर खड़े होने का प्रमाण है, जिससे पता चलता है कि वो दोनों उपद्रव में शामिल नहीं थे। इस दौरान पीड़ित परिवार ने जेल भेजे गए युवकों को छोड़ने की मांग की। आइए जानते हैं क्या कहना है परिजनों का। भैया ये लिसाई रोड की घटना है। लिसाई रोड पे सुबह दुकानें बंद हो गई सारी 9:30 बजे के बाद में दुकान बंद करके बाहर खड़े हो गए 3-4 लोग। उसमें कुछ और भी थे लेकिन ये हटके थे, उस जावेद मुदस्सिर। अब ये जो है क्या नाम खड़े थे चुपचाप, पीछे से जीप आई और उठा के भरकर ले गई, जिसमें सीसीटीवी फुटेज में क्लियर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है। अगर कुछ किया है तो आप सजा दीजिए। अब जो है उनको घटना हुई है जुमे के बाद लगभग 3:30 बजे जो बवाल हुआ है, और उस बवाल में इनको लादा जा रहा है। तो इस घटना में हमारे भाई को इनको मुदस्सिर को जावेद को जेल भेज दिया गया है। तीन दिन पुलिस कस्टडी में रहे हैं, ये हमें मिलने नहीं दिया, हमें बताया नहीं गया। और इनके जावेद के पिता हार्ट के पेशेंट हैं, जिसका हार्ट 18% काम कर रहा है। अब कल को कुछ उनको हो जाता है तो कौन जिम्मेदार होगा, जिसको हमने उनको बताया नहीं है कि वो पुलिस हिरासत में है। हमने उनसे झूठ बोल रखा है कि कहीं और है, कैसे भी हमने कि कुछ होना चाहे हमने कहीं भेज रखा है। अब इसके जिम्मेदार कौन है, उनकी हालत बहुत सीरियस है। तो अगर उन्होंने गलती की है, कुछ आ रहा है सीसीटीवी में, तो आप उनको जाँच कराइए और उनको सजा दीजिए। PFI के एजेंट बता रहे हैं, सदस्यता जोड़ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। बवाल में उनका नाम जोड़ा जा रहा है, जब से कहीं से कहीं तक उनका कोई मामला नहीं है। 9:30 बजे के बाद 9:30 बजे उठा लिया गया है, 9:55 पर उठा लिया है। CCTV में एक नहीं 4 कैमरे में वहाँ पर बिल्कुल फुटेज मेन रोड पर लगे हुए हैं, सब में क्लियर दिख रहा है। बिल्कुल सीधे जैसी पोजिशन में मैं खड़ा हूँ उसी पोजिशन में वे खड़े हैं। हल्की सी धूप था जो उसका आनंद ले रहे थे, उसके चक्कर में पुलिस साइड में ही उठा कर ले गई। इस खबर में बस इतना ही, देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी।